फिल्म इश्कज़ादे के सक्सेस के बाद सभी को लगा था कि परिणीति चोपड़ा एक्टिंग में नया मकाम हासिल करेगी, लेकिन अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो वो मकान बनाने में लगी हुई है। वो दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह ब्रांड एंडोर्समेंट की नैया में कूद पड़ी है। सुनने में आया है कि विक्की डोनर फेम की यामी गौतम एक डिओड्रेंट ऐड करने वाली थी, लेकिन यामी ने कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए और परिणीति ने अपना रेट घटाकर एंडोर्समेंट अपनी किटी में कर ली। इतना ही नहीं, परिणीति ने तो सीनियर एक्ट्रेसेस जूही चावला को भी एक चटपटे फास्ट फूड ऐड में रिप्लेस कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि परिणीति अपने लेटेंट टैलेंट को पहचाने और ऐड वर्ल्ड के खोखले 30 सेकेंड कमर्शियल से हटकर बड़े पर्दे पर कुछ अच्छे किरदार के साथ ऑडियंस का दिल जीत ले। We wish this talented actress all the best। अगर परिणीति की करियर बन के रहेगी एक छोटा सा इश्तेहार, तो वो होगी उनकी हार से भी। कितने सालों से तो जूही टेढ़े को मीरा कहती रही, लेकिन कहीं से बीच में आ गई परिणीति और उसी टेढ़े को मीरा करके चली गई, और जूही टेढ़े मेरे मुंह बनाती रह गई। ये टेढ़ा तेरा मीरा, टेढ़ा तेरा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया।